प्रेमानंद महाराज ने बताया है कि भगवान तो दयालु है, वह दया के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। बस हम लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं। जाने कितने संत आए इस धरती पर, सबने एक ही बात हम लोगों को बताई कि भगवान अकारण कृपालु हैं। माने हम सब दुनिया में जो भी काम किसी के लिए भी करते हैं तो उसमें हमारा कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से नीच स्वार्थ छिपा होता है, लेकिन भगवान तो हम सब पर बिना किसी कारण के ही कृपा करते हैं। बाबा जी ने आगे बताया कि भगवान इस धरती पर मौजूद लोगों पर तीन सबसे बड़ी भागवत कृपा कर सकते हैं। पहली कृपा ये करते हैं कि किसी जीव को मानव देह दे दे, जिसे आप संतों से भगवान वाला ज्ञान सुनकर समझ सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। 84 लाख योनियों में युगो युगो तक घूमने के बाद भगवान किसी किसी को ये मानव शरीर कृपा करके दे देते हैं। ऐसे ही आसानी से हर किसी को नहीं मिल जाता ये मानव शरीर, और जब भगवान माँ के गर्भ में जीव को मानव शरीर देते हैं तो उससे ये वादा लेते हैं कि जब वो संसार में आएगा तो सिर्फ मुझे पाने के लिए ही प्रयत्न करेगा और मेरा भजन करेगा। लेकिन हम सबकी मेमोरी इतनी कमजोर है कि भगवान से किया हुआ वादा भी भूल जाते हैं। दूसरी कृपा भगवान तब करते हैं जब किसी सदगुरु से आपको मिला दें, ताकि गुरु आपको यह ज्ञान करा दें कि जिस भगवान को आप जैसे भोले लोग बाहर ढूंढ रहे हैं वो असल में आपके भीतर यानी आपके हृदय में बैठा है। इस बात को सभी शास्त्र पुराण चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि ए मनुष्य, जिस भगवान को तुम लोग बाहर खोज रहे हो वो असल में तुम्हारे भीतर ही बैठा है। अरे यहाँ तक कि भगवान खुद अपने संतों के माध्यम से हम सबको बताते हैं कि मैं तुम लोगों के भीतर ही बैठा हूँ। तुम लोगों के हृदय में बैठकर तुम्हारे आइडियाज यानी मानसिक रूप से किए गए कर्मों को ही नोट करता रहता हूँ और उसका फल देता हूँ। इसके बाद तीसरी और आखिरी भागवत कृपा बताते हुए प्रेमानंद महाराज बताते हैं कि ये कृपा असल में हम मनुष्यों को करनी होती है, यानी जो भी गुरु के प्रत्येक वचनों को सुनकर पूरी श्रद्धा से उन पर अमल करता है, ऐसा व्यक्ति असल में अपने गुरु के प्रति शरणागत होता है। और जो व्यक्ति अपने गुरु के प्रति 100% शरणागति यानी गुरु की कही हर बात को पूरी तन मन से मानता है, फिर उसको भागवत के दर्शन मिलने में कोई देर नहीं लगती।